विकी डोनर से प्रेरणा पाकर भोपाल के कई छात्र अपने पॉकेट मनी और अपने शौक को पूरा करने के लिए इन दिनों स्पर्मनेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि विकी डोनर बन के लिए के काफी मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ता है। स्पर्म डोनेशन की प्रक्रिया के तहत मेडिकल टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट के अलावा व्यक्ति की हिस्ट्री चेक की जाती है और इसमें अपने बैकग्राउंड की पूरी जानकारी देनी होती पड़ती है। सेक्सोलॉजिस्ट स्पर्म लेने से पहले इंटरव्यू के जरिए डोनर के सेक्सुअल बिहेवियर से संबंधित सभी तरह की जानकारी लेते हैं। डोनर का HIV, हेपेटाइटिस बी और सी जैसे कई टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद क्लिनिक और स्पर्म बैंक 2 से 6 महीने के बाद डोनर को स्पर्म डोनेट करने के लिए अनुमति देते हैं। कॉलेज के छात्र इन तमाम प्रक्रिया से गुजरकर अपना स्पर्म बेच रहे हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इनमें से अधिकतर छात्र अपने शौक को पूरा करने के लिए अपना स्पर्म बेचते हैं। एक बार स्पर्म डोनेट करने के छात्र को 500 से लेकर 2000 रुपए तक मिलते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आज बड़ी संख्या में छात्र स्पर्म डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 90% स्पर्म डोनर करने वाले कॉलेज के छात्र ही हैं, जिससे ये कारोबार फल फूल रहा है।